देखिए 122 वार्ड की प्रभाग रचना में जो धांधली हुई है उसको लेके निश्चित तौर पे आपका सवाल सही है। गणेश नाइक ये नाम नवी मुंबई ये विकास का समीकरण है, लोगों ने प्रमाणित किया है, लोगों ने किया हुआ प्रमाण कोई झुटना लेके या को उसको काटने की कोशिश करेगा तो निश्चित लोग उसको उसकी जगह दिखाएंगे। आपके मुताबिक ये सच है कि नाइक साहब के करीबी या नाइक साहब का हर कोई कार्यकर्ता जी जान से लोगों की सेवा करता है और वो सेवा करने के बाद ही लोग उसको अपनाते हैं। आज जो भी कुछ किया है इस तरह से उन्होंने हमें परेशान नहीं किया है, तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि यही लोग हैं जो गणेश नाइक साहब से पीछे उनके साथ कंधे से कंधा लगा के मुंबई के विकास के लिए भागीदारी उठाते, अपना सब कुछ प्रदान करते। तो आज इन्होंने हमें नहीं रोकने की कोशिश की है तो मुंबई का अच्छाई मुंबई का विकास रोकने की कोशिश की है, पर ये लोगों को समझदार है, मुंबई के लोग जनता समझदार है कि नाइक साहब के हाथों में मुंबई का विकास किस तरह आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हमें इस बात का गम नहीं है, फक्र है कि मुंबई के गणेश नाइक जी का ये विरोधकों को जो डर है ये ऐसा बना रहे, क्योंकि मुंबई के विकास की गाथा गणेश नाइक जी ने जो लिखी है वो कोई नहीं रोक पाएगा। निश्चित तौर पे आने वाले दौर में इन्होंने कितनी काटाकाटी की हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर एक बार गणेश नाइक जी के विचारों का मतलब मुंबई के लोगों के विचारों की जीत का झंडा महानगर पालिका के ऊपर फहराने वाला है। पालिका ने की हुई जो गलतियाँ है या फिर वो चुनाव आयोग के रिस्ट्रिक्शन को तोड़े गए वो हमने दिखाए गए, पर आप एक देख लीजिए कि कैविट किसने दाखिल किए कि ये सही है, इसको कुछ भी अपील में आए तो हमें पार्टी किया जाए कैविट। इसका मतलब खुद विपक्ष कबूल कर चुका है कि ये किसने किया है, तो हमें प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है इनको इनकी जगह दिखाएगा। इस तरह धांधली करके इस तरह कुछ गलत करके सत्य को परेशान कर सकते, पराजित नहीं कर सकते। जब तक नवींबेकर गणेश नाइक जी के ऊपर विश्वास डट के रखे हुए तब तक गणेश नाइक जी का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। नवींबेकर की जीत गणेश नाइक जी की जीत करके आगे आएगी। निश्चित तौर पे हम मानते नवींबे का हर वो नागरिक जो विकास चाहता है वो गणेश नाइक को चाहता है।